आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर है ये आपका 31। मिल गया सबको? अभी तक मैंने रिवाइज ही करवाया है लास्ट क्लास का, यहां से एक तरह से आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सर स्क्रीन क्लियर है वैसे? जी प्रतिष्ठा, आई नो, टेल मी समथिंग न्यू। चलो, स्क्रीन क्लियर है वैसे या क्लियर नहीं है वैसे? द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ आरएसटी लिमिटेड इज एज फॉलोज। मैं वैसे समझ गया हूं, प्रतिष्ठा शायद इसलिए बोल रही है कि बुक ना खोलनी पड़े, यहां पे सब कुछ दिख तो रहा है। अच्छा, बुक तो तुम्हारे पास अभी है भी नहीं। यस, ओके सुषमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थैंक यू। चलो, कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है सर आपको इस कंपनी का। इस क्वेश्चन पे भी हम इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं, पेपर से एक दिन पहले भी रिवाइज करने वाला क्वेश्चन है। यही एक क्वेश्चन अगर इस चैप्टर का हम पेपर से एक दिन पहले रिवाइज कर लें, पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज हो जाता है इस एक क्वेश्चन से, ठीक है ना। चलिए, देवांग जी प्लीज दुखी मत करिए जान जान के ऐसे बोल के। इक्विटी शेयर्स आपको 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से दे रखे हैं, 8 लाख रुपए की सर कैपिटल है, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए? बस शांति से पढ़ेंगे अब, बस तो 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, ठीक है जी। 8 लाख रुपए की इक्विटी कैपिटल। जेन्युइनली अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आएगी क्लास में, प्लीज मेरे को साथ साथ बता दीजिएगा, ठीक है, लेकिन जेन्युइनली। अच्छा, 10% प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं आपके पास, 5 लाख रुपए के, 100 रुपए का एक शेयर है, और इसी तरीके से 12% के कूपन रेट वाले आपके पास डिबेंचर्स भी हैं 7 लाख रुपए के। ऐसा करते हुए आपके पास टोटल कैपिटल 20 लाख रुपए की बनी है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन अभी देखेंगे इसका क्या काम होगा। ये आपको कैपिटल स्ट्रक्चर बता दिया है क्वेश्चन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको डेटा दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 280,000, ईएटी दे दिया एक तरह से आपको अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, और टैक्स का रेट 30%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन 96,800 आर 1.5 times ऑफ ईबीआईटी। देखेंगे इसका भी क्या यूज होगा, अभी बस इतना पता है यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कुछ बात कर रखी है और डिप्रिसिएशन की बात कर रखी है जो कि एक फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है ना। इक्विटी डिविडेंड 15% का हम पे करेंगे, उसका एक रेट दे रखा है, और आपको मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ है, एमपीएस आपको दिया हुआ है, एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, एमपीएस आपको दिया हुआ है 23, ठीक है जी। आपसे मांगा है कैलकुलेट पहला पार्ट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज, बाकी पार्ट अभी बाद में देखते हैं, पहले पार्ट में सर आपसे ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज मांग लिया है। इसके लिए जो भी फॉर्मूले लगते हैं उसके लिए मेरे को क्या बनाना पड़ेगी सर? इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, सारा डेटा आएगा तो ही आप ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज निकाल पाओगे। आइए एक काम करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करते हैं, पहले पूरी एक इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं फिर आगे देखते हैं, ठीक है ना। आइए, क्वेश्चन नंबर 15, इनकम स्टेटमेंट, ये मैं अभी यहां पे लिख देता हूं, इसका ए पार्ट हम पहले अभी कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अच्छा, सबसे पहले अब यहां पे क्या लिखते हैं हम? सेल्स लिखते हैं सर। एक काम करते हैं, पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या डेटा हमारे पास है क्या नहीं है, फिर देखते हैं क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके सर, माइनस करते हैं यहां से वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास यहां पे आ जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन। माइनस करेंगे यहां से फिक्स्ड कॉस्ट, आपके पास सर यहां पे आ जाएगा ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। उसके बाद यहां से माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा ईबीटी। माइनस करते हैं यहां से टैक्सेस, तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा ईएटी, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अच्छा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स उसमें से फिर कुछ माइनस करते हैं,
सर उसकी जरूरत कहाँ है? ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज के लिए तो ईबीटी तक की जरूरत है ना। अरे जब डेटा दे रखा है बना लो ना पूरी इनकम स्टेटमेंट, क्या पता आगे के किसी पार्ट में चाहिए, मेरे को नहीं पता अभी, लेकिन इनकम स्टेटमेंट अगर बना रहे हो तो पूरी बना लो फिर एक बारी में। ओके सर, जैसा आप कहें। वैसे भी कौन सा आप हमारी सुनोगे, माइक ही नहीं दिया हमको, बताओ गजब बात। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके आपके पास क्या आ जाएगा, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अच्छा, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स में से फिर क्या माइनस करते हैं सर? इक्विटी डिविडेंड। ओके, इक्विटी डिविडेंड माइनस करने के बाद आपके पास क्या आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, अब ये पूरा फॉर्मेट हमने यहां पे तैयार कर लिया है। अब एक बारी देख लेते हैं क्या क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जो नहीं है फिर उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस डेटा में ए पॉइंट में दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,80,000। बहुत बढ़िया सर, आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज ईएटी 2,80,000 दे रखा है, और आपका सर टैक्स का रेट 30% है। इसका मतलब अगर मेरा ईबीटी 100% है और टैक्स 30% है तो जो ईएटी बचा होगा वो कितना बचा होगा, 70%। मतलब 2,80,000 की जो फिगर है वो 70% को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो आपके पास ईबीटी आ जाएगा 2,80,000 डिवाइडेड बाय 70% करेंगे, आपके पास 100% की वैल्यू आ जाएगी, एक तरह से ग्रॉसिंग अप। ठीक है जी, ओके सुषमा, ओके प्रभव, 4,00,000। तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास नालायक, तुमको नहीं कहा, बैलेंसिंग फिगर आपके पास टैक्स आ जाएगा 1,20,000। ठीक है जी। अच्छा, अब सर इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट आ जाएगा ना सर क्वेश्चन में से, कहां से सर? आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का डेटा दिया हुआ है जहां पे 12% का कूपन रेट दिया हुआ है डिबेंचर्स का, 7,00,000 का अमाउंट यहां से आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। ओ, ये तो गजब बात हो गई सर। 7,00,000 इंटू 12% ये आ जाएगा आपके पास 58,000। ओहो, मैंने गलत कर दिया, एक सेकेंड, 84,000। अब आपके पास इंटरेस्ट है, मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पे लगा भी देता हूं इस तरीके से एरो, ये सब क्या चल रहा है सर, रिवर्स वर्किंग चल रही है, ठीक है ना। इंटरेस्ट आ गया, क्या ईबीआईटी आ जाएगा? बिल्कुल सही सुषमा, 4,84,000। मैं इसके आगे लिख देता हूं बैलेंसिंग फिगर, एक तरह से रिवर्स वर्किंग से आपके पास ईबीआईटी आ गया। सर अब आपके पास ईबीआईटी आ गया है, अगर किसी तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट आ जाए तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, हाँ सर। अगर किसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट आ जाए तो सेल्स आ जाएगी, हाँ सर। आओ फिर उसकी बात कर लेते हैं, कैसे सर, क्या करवाओगे अब आप? ऑल्दो इसी के नीचे ना कुछ जगह छोड़ देंगे जहां पे ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज निकाल देंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ के मैं यहां पे वर्किंग नोट नंबर वन, वर्किंग नोट नंबर वन में अब मैं क्या करूंगा, देखिए शायद आपको भी मन में स्ट्राइक कर गया होगा पॉइंट बी पॉइंट, क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 1.5, ब्रैकेट में जो लिखा है छोड़ दो एक मिनट के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी। इसका मतलब इसी लाइन को मैं लिखूं तो क्वेश्चन लिखता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय ईबीआईटी। भाई यही बात लिखी है क्वेश्चन ने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ब्रैकेट को छोड़ दो आर 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू 1.5 इनटू ईबीआईटी। जी सर, अब सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तो आपको पता है जो आपकी ये इनकम स्टेटमेंट बनती है सेल्स से लेकर ईबीआईटी तक, यहां तक जो भी काम होता है चाहे इनकम चाहे खर्चे, वो ऑपरेशंस के खर्चे होते हैं, बिजनेस के डे टू डे रनिंग के खर्चे होते हैं। मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में या तो वेरिएबल कॉस्ट आता होगा या फिक्स्ड कॉस्ट, उसके बाद जो भी खर्चे आपने लिखे हैं इंटरेस्ट, टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, ये सब ऑपरेटिंग नेचर के थोड़ा ना है, ये सब तो फाइनेंसिंग नेचर के हैं। जी सर, तो सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके या तो वेरिएबल कॉस्ट आती है प्लस या फिर फिक्स्ड कॉस्ट आती है। सो जब मैं लिखता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, तो मैं ये भी लिख सकता हूं वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी। हां सर,
बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सिर्फ वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट आती है। ओके, तो सर अब वेरिएबल कॉस्ट का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट में बोल रखा है इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन 96,800। ऐसा हो सकता है कि डिप्रिसिएशन के फिक्स्ड खर्चे के अलावा भी और कोई फिक्स्ड खर्चा हो, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में और कोई डेटा नहीं दिया हुआ तो मैं मान लूंगा फिक्स्ड कॉस्ट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ डिप्रिसिएशन है। दोबारा रिपीट करता हूं, ऐसा एक्चुअली में हो सकता है कि सर डिप्रिसिएशन के अलावा भी और कोई खर्चा हो जो कि फिक्स नेचर का हो, लेकिन क्वेश्चन ने नहीं बताया ना, तो हम मान लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट में सिर्फ डिप्रिसिएशन है। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज डिप्रिसिएशन, मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, 96,800 इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी। ईबीआईटी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो अपने इनकम स्टेटमेंट से, 484,000। सिंपल है सर, बिल्कुल, बस इसको सॉल्व करोगे आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, बताइए कितनी। ओके, देवांग ने बताई 6,29,200। हाँ जी, सभी को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई डाउट? ओके सुषमा, ओके प्रतिष्ठा, समझ आ गया? मेरे को एक बार ही बताओ, क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? स्ट्रीमलेस चल रही है एकदम क्लास? सॉरी, सीमलेस चल रही है, स्ट्रीमलेस चलेगी तो स्ट्रीम कहां से जाएगी, सॉरी, सीमलेस चल रही है मतलब क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं? जो फालतू की दिक्कत है तुम कहते हो कि माइक नहीं है वो नहीं है, उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूं। ओके सर, तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई है 6,29,200 और फिक्स्ड कॉस्ट हमने मान लिया कि सिर्फ डिप्रिसिएशन ही है। तो आइए फिर सर, फिक्स्ड कॉस्ट में गिवन, और मैं ब्रैकेट में यहीं पर लिख देता हूं, अज्यूम्ड ओनली फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज 96,800। तो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर? जी सर, कितना? देवांग, ओके सार्थक, 5,80,800। मेरे को पता है सार्थक यूं ही बोल रहा है, इसको पता है अब अगर मैंने कुछ और बोला तो सर वैसे ही डांट देंगे। वेरिएबल कॉस्ट में वर्किंग नोट वन का रेफरेंस डाल के हमने वर्किंग नोट वन में वेरिएबल कॉस्ट निकाली है 6,29,200। बस देवांग, बस टेल मी समथिंग न्यू। तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर यहां पे सेल्स आ जाएंगी 580,800 प्लस 6,29,200, 12,10,000। ठीक है जी, आपके पास सर यहां तक की पूरी इनकम स्टेटमेंट बन गई ईएटी से। अब हमने पूरी रिवर्स वर्किंग करके इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कर दी। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है वो भी आ जाएगा। आपको इसी कैपिटल स्ट्रक्चर में 10% का कूपन रेट दे रखा है प्रेफरेंस शेयर्स का, 5,00,000 रुपए की कैपिटल दे रखी है। आइए फिर इंटू 12% 60,000, ये आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया। नेट आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएंगे 2,20,000। ठीक है जी सर, 10 है क्या? 10 है, ओ सॉरी, मैं कह रहा हूं यार यहां पे 10 है, पता नहीं तुम क्यों बोल रहे हो यहां पे 12 है, पागल तो नहीं हो गए हो क्या यार? 10 है यहां पे, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। तो ये आ जाएगा 50,000। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएंगे 2,30,000। अच्छा, माइनस करेंगे इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड के लिए आपके पास सर इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है 8,00,000 और आपको नोट्स में नीचे दिया हुआ है, पहले दो पॉइंट्स हम कर चुके हैं और इक्विटी डिविडेंड पेड 15% आपको दिया हुआ है। तो यहां पर सीधा सीधा इक्विटी कैपिटल है आपके पास 8,00,000, इंटू 15%, 15 ही है ना, मैं कह रहा हूं 15 है, ओके, 8,00,000 का 15% ही आ जाएगा हमारे पास 1,20,000। माइनस करके आपके पास बच जाएंगे रिटेन्ड अर्निंग्स, दैट इज 1,10,000। पूरी इनकम स्टेटमेंट सर हमने पूरी कर ली। अब आ जाते हैं, ये वाला पॉइंट भी हमने कर लिया, डी पॉइंट की अभी जरूरत नहीं पड़ी, अगर क्वेश्चन में कहीं पे पड़ेगी तो देखेंगे सर। ओके, तो आपके पास पहली रिक्वायरमेंट थी ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज की, आइए अब इसको पूरा कर लेते हैं सेम फॉर्मेट में इनकम स्टेटमेंट में। ओके देवांग, तो यहां पे सबसे पहले
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, पहले इसका फॉर्मूला कोट करेंगे, परसेंटेज चेंज वाला या ऑल्टरनेट फॉर्मूला? सर ऑल्टरनेट ही लगेगा, दो डेटास तो है नहीं कि परसेंटेज चेंज निकाल पाए. ओके, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीआईटी. एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन आपने यहां पे निकाला 580,800 और ईबीआईटी 484,000. डिवाइडेड बाय 484,000 आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगा 1.2. ठीक है जी. इसी तरीके से इसके बाद डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, इसका फॉर्मूला एग्जिस्टिंग ईबीआईटी डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीटी. एग्जिस्टिंग ईबीआईटी तो वही था सर 484,000, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीटी वो हमने ऊपर निकाला है अभी 4 लाख. ठीक है ना, इसको कोट कर देंगे, आपके पास फाइनेंशियल लिवरेज भी आ जाएगा 1.21 एंड दैट्स इट. ये आपका मिलाकर ये दोनों इस क्वेश्चन के ए पार्ट हुए हैं. कंप्लीट करिए सर यहां तक. जी सुषमा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही प्रतिष्ठा. हो गया यहां तक सबका? जी यश पहले एक बार ये सब नोट कर ले, फिर उसके बाद मैं वर्किंग नोट भी दिखा देता हूं. ऑल दो यहां तक सबका हो गया बता दो एक बारी. सर ये लिवरेजेस इनकम स्टेटमेंट के बाहर शो हो सकते हैं, मतलब आफ्टर फॉर्मेट? जी आरएन वो आप कर सकते हैं, उसमें एसएच कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना सर. फिक्स्ड कॉस्ट में मेंशन करना है कुछ? बेटा मैंने कर दिया मेंशन, देखिए एक बारी यहीं पे लिख दिया मैंने. फिक्स्ड कॉस्ट लिखा गिवन, पहली बात क्वेश्चन में गिवन है, और उसके बाद लिख दिया अज्यूम्ड ऑनली, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट लिखा यहां पे अज्यूम्ड ऑनली डिप्रिसिएशन. मैंने वो पॉइंट भी यहां पे लिख दिया है. ठीक है सुषमा. बेटे पूरा एफएम आसान है, मैं कहता हूं एफएम इतना आसान सब्जेक्ट है, गजब बात हो गई. उसका रीजन ये है पैसों की बात करनी है सर पूरे चैप्टर में. तो सुषमा जी बहुत आसान चैप्टर होने वाला है, मतलब सब्जेक्ट होने वाला है, चिंता मत करना इसमें. सिर्फ मैं आपको, अच्छा मैं आपको ना मजाक वाली बात नहीं, रियल फैक्ट बताऊं ना, आपके ना बीच में एक चैप्टर आएगा कैपिटल बजटिंग, जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा. लेकिन कैपिटल बजटिंग का जब चैप्टर आता है, वही कॉन्सेप्ट कैपिटल बजटिंग का लीजेस में लगेगा, वही कॉन्सेप्ट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी में लगेगा, तो वो चैप्टर तीन तीन बारी हो जाता है क्लास में. तो कहने का मतलब है अगर कोई प्रॉब्लमेटिक चैप्टर यहां पे आता भी है तो वो आपका बार 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 खत्म हो जाता है. ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको. चलिए तो सर फर्स्ट पार्ट हुआ है अभी क्वेश्चन का, ये लीजिए यश आपको वर्किंग नोट चाहिए था, फटाफट से नोट करिए. प्रभाव समझ आ गया? ओके प्रभाव, मैं आपको सच बात बताऊं, वैसे देखो टू बी वेरी फ्रैंक, जब बोथ ग्रुप स्टार्ट होते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, ठीक है ना. लेकिन एक होता है प्रेशर बढ़ना, एक होता है उसकी वजह से आप पैनिक कर रहे हो. मैं आपको ना बार बार बोल रहा हूं, प्रेशर लेना है आपको, टेंशन लेनी है पढ़ाई की, लेकिन वो चीज ना सिर पे नहीं चढ़नी चाहिए. मेरे कहने का मतलब है चिल मार के, मजे मार के, सीखते हुए इसको पढ़ो, मजा आएगा आपको दोनों ग्रुप करने में. और इकट्ठे एकदम से जब बोथ ग्रुप होते हैं ना, तो पढ़ाई में भी बाद में ना फील आनी शुरू हो जाती है, एग्जाम की फील. और जब वो फील आनी शुरू हो जाती है ना, तो उसके बाद होता है हाँ कर जाएंगे अब एक बारी, वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है उसके बाद. मेरे बार बार कहने का मतलब ये है, आपको ना चीजों को दिमाग पे नहीं चढ़ाना है, मतलब सीरियसली लेना है, बहुत ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेना है कि पागल हो जाओ फिर, ठीक है ना. तभी तो मजाक करते हैं सर हम. लेकिन उसकी लिमिट भी होनी चाहिए ना, है देवांग नल्ला नलायक. चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं. प्रतिष्ठा कह रही है फील तो आ रही है, बहुत बढ़िया. बी पार्ट, बी पार्ट में आपसे मांगा है कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड. कुछ भी रटना नहीं है सर आपसे. सेकंड पार्ट में मांगा है कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड. क्या है सर ये? देखो वैसे ना इसके होते हैं फॉर्मूले, लेकिन मैंने आपको बार बार बोला है रटना तो कुछ है ही नहीं. पता चले इतनी चीजें हैं, अगर रटते गए ना सर तो इस सब्जेक्ट में इतने फॉर्मूलेज हो जाएंगे कि एंड में कंफ्यूज ही हो जाओगे भाई कौन सा फॉर्मूला कहां का था. तो हमको मतलब पता होना चाहिए, जिससे हम फॉर्मूला हम खुद बनाएंगे, हमको कोई फॉर्मूला नहीं रटना, ठीक है ना. क्या कहना चाहते हो सर ये बताओ आप. देखिए
ये जो आपसे बी पार्ट मांगा है ना क्वेश्चन में, कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड, पहली बात आपसे यहाँ पे क्या मांगा है, कवर फॉर प्रेफरेंस का मतलब है आपसे क्वेश्चन ने इसमें मांगा है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। क्या मांगा है आपसे? प्रेफरेंस डिविडेंड लाइक कवरेज रेशियो। इसी तरीके से जब क्वेश्चन कहता है कवर फॉर इक्विटी डिविडेंड, तो आपसे क्वेश्चन ने मांगा है इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। अब सर एक बात बताओ, ये तो आपने हमको करवाया ही नहीं, और आपने तो हमको फिर झूठ बोला। आपने हमको बताया सर इस चैप्टर में ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और कंबाइंड लिवरेज आएगा, ये कौन सी रेशियोज आ गई? तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मैंने आपको जब आपका पूरा सिलेबस बताया था तो बताया था आपके सिलेबस में ना सर एक चैप्टर है फाइनेंशियल रेशियोज। इस चैप्टर में सारी की सारी रेशियोज के फॉर्मूले ही होते हैं, बस करंट रेशो, लिक्विड रेशो, ऐसी ऐसी रेशो याद है पहले आपने करी हुई है, सुना होगा आपने नाम, करंट रेशो होती है, क्विक एसेट रेशो होती है, डेट इक्विटी रेशो होती है, इस तरीके की काफी सारी रेशोज के यहाँ पे फॉर्मुलेज हैं। तो सर ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये इस चैप्टर का है वैसे, लेकिन इसी चैप्टर में रिस्क एंड लिवरेज में इस क्वेश्चन में मिक्स होके पेपर में ये आया हुआ है, ठीक है ना? तो सर ये आप अभी करवाओगे? तो मेरी यहां पे बात सुनिए, रेशोज में ना काफी सारी रेशोज ऐसी हैं जो कि जैसे एक रेशो का क्वेश्चन इस चैप्टर में आ गया, किसी और रेशो के फॉर्मूले वाला क्वेश्चन दूसरे चैप्टर में आएगा, किसी और रेशो वाला क्वेश्चन तीसरे चैप्टर में आएगा, एंड सो ऑन। तो इसी वजह से मैं क्या करूंगा, फाइनेंशियल रेशो का जो चैप्टर है ना वो आपको करवाऊंगा बिल्कुल एंड में, जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो चुका होगा ना, बिल्कुल एंड में हम ये चैप्टर करेंगे, लगती है उसमें एक क्लास। सर ऐसा क्यों, इसको सबसे पहले करवा दो ना? ना, इसको मैं सबसे लास्ट में इसलिए कर रहा हूं, एक फॉर्मूला आप इस चैप्टर में कर चुके होंगे, किसी और रेशो का फॉर्मूला आप सेकंड चैप्टर में कर चुके होंगे, किसी और रेशो का फॉर्मूला आप थर्ड चैप्टर में, एंड सो ऑन। जब पूरा सिलेबस खत्म होगा ना, तो आप ये वाला चैप्टर 90% तो पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वैसे ही कर चुके होंगे, फिर जाके इस चैप्टर की बस एक क्लास लेनी पड़ती है, आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो सारी रेशोज एक जगह पे कंपाइल्ड होकर रिवाइज भी हो जाती हैं। आई गेस पहले तो आपको ये बात क्लियर हुई। अब सर यहां पे जब कवर फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड इक्विटी डिविडेंड वाले फॉर्मूले आते हैं, तो आपको यहां पे सबसे पहले क्या निकालना है, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। और सर मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कोई फॉर्मूला यहां पे नहीं बता रहा हूं, फॉर्मूला आप खुद बनाएंगे, मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं इस रेशो का, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, फॉर्मूला आप खुद बनाएंगे। बोलो बनाओगे, ऐसा करोगे मेरे साथ? क्या मेरा साथ दोगे इस बात में आप? वैसे उम्मीद नहीं है मेरे को तुमसे। बच्चे कहेंगे सर फिर पूछ ही क्यों रहे हो जब उम्मीद नहीं है तो। चलो सुनेंगे मेरी बात। सर जितनी भी आपकी कवरेज रेशियोज है ना, जितनी भी यहां पे इस क्वेश्चन में आपसे प्रेफरेंस और इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो मांगी है, मैं तो आपसे पूरा बता रहा हूं एक लॉजिक। नहीं देवांग ऐसा नहीं हुआ, सुनेंगे मेरी बात। तो सर कवरेज रेशो का ना एक सिंपल लॉजिक होता है, आप डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, जिस खर्चे को कवर करना है, जिस खर्चे को कवर करना है वो लिखते हैं सर आप डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में सर क्या लिखते हैं, जिस इनकम से वो खर्चा दिया जाएगा। दोबारा रिपीट कर दो सर, जिस खर्चे को कवर करना है वो खर्चा सर डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, और जिस इनकम से वो खर्चा बांटा जाएगा उस इनकम को न्यूमरेटर में लिखा जाता है। बनाना सर एक बारी इस लॉजिक के हिसाब से ये फॉर्मूला, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। मैंने क्या बताया, जिस खर्चे को कवर करना है वो डिनोमिनेटर में, कौन से खर्चे को कवर करने की बात हो रही है, प्रेफरेंस डिविडेंड को। तो जिस खर्चे को, नालायक सार्थक फिर उल्टा बोल रहा है, मैंने क्या बोला यहां पर, इतना चिल्ला चिल्ला के बोला मेरा गला बैठ गया, फिर भी उल्टा लिख रहा है नालायक सार्थक। मैंने बोला जिस खर्चे को कवर करना है वो डिनोमिनेटर में, कौन से खर्चे को कवर करना है सर, प्रेफरेंस डिविडेंड को। जिस इनकम से कवर करना है वो इनकम आपकी न्यूमरेटर में लिखी जाएगी। प्रेफरेंस डिविडेंड कौन सी इनकम से बटता है सर, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं ईबीटी आता है, ईबीटी में से टैक्स माइनस करते हैं ईएटी आता है, फिर ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड बांटते हैं, मतलब ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड बांटा जाता है। तो जिस इनकम से डिविडेंड बांटा जा रहा है उसको न्यूमरेटर में लिखा, और जिस खर्चे को कवर करना है वो डिनोमिनेटर में लिखा। यस सार्थक, समझ आया? तो सर ये बन गया आपके पास फॉर्मूला, ईएटी डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। अभी तो मैंने आपको इस फॉर्मूले को बनाने का लॉजिक बताया है,
इस फॉर्मूले से जो आंसर आता है उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है अभी वो भी सीखेंगे। ईएटी कितना आया सर? आपने पूरी इनकम स्टेटमेंट बना रखी है, ईएटी आया आपके पास 280,000 और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 50,000। तो 280,000 डिवाइडेड बाय 50,000 ये आपके पास कितना आएगा 5.6। ओके, तो आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो 5.6 आ गई है। मेरे को बताइए यहां तक सभी को समझ आया, क्लियर हुआ सभी को यहां तक? ओके, अब मेरी एक बात सुनिए। अभी तो मैंने आपको क्या बताया सर, ये फॉर्मूला कैसे बनाया जाएगा, अब मैं आपको बता रहा हूं इस फॉर्मूले से जो आंसर आया है इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, दोबारा इस बात को बोल रहा हूं, कोई भी फॉर्मूले को जब इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए समझा जाता है तो डिनोमिनेटर से समझा जाता है। तो यह फॉर्मूला डिनोमिनेटर से क्या कह रहा है कि सर मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड का खर्चा इतना है, इस खर्चे को कवर करने के लिए मेरी इनकम कितने मल्टीपल टाइम्स है। दोबारा रिपीट करता हूं, सर मेरा खर्चा इतना है और इस खर्चे को कवर अप करने के लिए जो मेरी इनकम है वो उस खर्चे के कितने टाइम्स है। आंसर आया 5.6। इसका मतलब है आपने जितना प्रेफरेंस डिविडेंड बांटना है उस प्रेफरेंस डिविडेंड को बांटने के लिए जो इनकम आई है वो इनकम उस खर्चे के 5.6 टाइम्स है। मतलब अगर आप एक रुपए का डिविडेंड बांटते हो तो उस डिविडेंड को बांटने के लिए आप 5.6 रुपए कमाते हो। इसका मतलब आप सेफ हो, आप जितना ज्यादा टाइम्स इनकम कमाएंगे खर्चे से उतना ज्यादा आप सेफ हो। मेरे को बताइए इंटरप्रिटेशन भी आपको समझ आई? बोलो हाँ के ना। मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ आया सबको यहां पे? हाँ जी, ओके सुषमा, बाकी नालायक जी, यश, यश ने कहा रिपीट कर दो। यश ध्यान से सुनिए, फॉर्मूले की इंटरप्रिटेशन क्या बनी, कितना प्रेफरेंस डिविडेंड है डिनोमिनेटर से, कितना प्रेफरेंस डिविडेंड है और उस प्रेफरेंस डिविडेंड को बांटने के लिए जो इनकम चाहिए वो उसकी कितनी ज्यादा है। मतलब मेरा 50,000 का अगर डिविडेंड का खर्चा है तो मेरी इनकम इस खर्चे के 5.6 टाइम्स ज्यादा है। मेरी इनकम 280,000 है, 5.6 आया, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा खर्चा एक रुपए का है तो उसके लिए मैं इनकम 5.6 की कमा रहा हूं। मतलब मैं 5.6 टाइम्स ज्यादा इनकम कमा रहा हूं अपने इस खर्चे से, मतलब मैं सफिशिएंट ज्यादा इनकम कमा पा रहा हूं। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर इसके बाद आपको इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो भी निकालनी है। इसका फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि मैं रट के आया था, मैं भूल चुका हूं सर, मेरी इज्जत का सवाल है, आप बता दो। हाँ जी, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? जिस खर्चे को बांटना है वो खर्चा डिनोमिनेटर में और जिस इनकम से वो खर्चा बटेगा वो न्यूमिनेटर में। बिल्कुल सही रचना, बिल्कुल सही फॉर्मूला बताया है। अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। जिस खर्चे को बांटना है वो डिनोमिनेटर में लिखा, जिस इनकम से बांटना है उसको न्यूमरेटर में। बिल्कुल सही, सभी बच्चे बिल्कुल सही लिख रहे हैं। तो अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आपके पास क्वेश्चन में आया, आपने इनकम स्टेटमेंट में निकाला 230,000 और इक्विटी डिविडेंड 120,000। तो आपके पास यहां पर इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो आ जाएगी 1.92 की इंटरप्रिटेशन क्या है कि सर मेरा जो खर्चा है ना इक्विटी डिविडेंड का, वो खर्चा जिस इनकम से बांटना है वो इनकम इस खर्चे के 1.92 टाइम्स है। इसका मतलब अगर मैं एक रुपए का इक्विटी डिविडेंड बांटूंगा तो उसके लिए 1.92 टाइम्स मैंने कमाया है। मतलब 1.92 टाइम्स की इनकम से अगर मैं एक रुपए का डिविडेंड बांट भी दूं तो भी मेरे पास 0.92 की इनकम बचेगी, सफिशिएंट कमाया है मैंने। इन रेशियोज को देखकर एजीएम में डिसीजन लिया जाता है डिविडेंड बांटना भी है या नहीं। यूज समझ में आ रहा है आपको? साथ साथ आपको पूरी पूरी
एजीएम में शेयर होल्डर्स को, कंपनी के मालिकों को पूरी पूरी इनकम स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है, वो सीधा ये रेशियोज देखेंगे और सीधा ये रेशियो देखकर वो डिसीजन ले पाएंगे डिविडेंड बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते। और इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है आप लोग स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी की जब ये रेशियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी कितना एक्सपोनेंशियली मल्टीपल टाइम्स कमा रही है अपने डिविडेंड के। बिल्कुल सही यूज समझ में आ रहा है आपको यहां पे? तो सर मैंने यहां पे इन दो फॉर्मुलेज में ये समझाने की, डायरेक्टली फॉर्मूला ना बताकर मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि फॉर्मूला बनाया कैसे है। तो क्या खुद से फॉर्मूला बना पाएंगे? लग रहा है कि सर रटना नहीं पड़ेगा, इस सवाल का भी जवाब दो। और दूसरा, यहां से इंटरप्रिटेशन आपको समझ आ गई इन फॉर्मुलेज की, क्योंकि बहुत फॉर्मुलेज हो जाते हैं और अगर उनको याद करते जाएं तो सर बाद में सब भूल जाते हैं। आपको लॉजिक पता होगा, अल्टीमेटली बस यहां पे याद रखना है कवरेज रेशियोज। फॉर्मूला कैसे बनेगा? जिस खर्चे को कवर करवाना है डिनोमिनेटर में, जिस इनकम से वो खर्चा कवर होगा न्यूमिनेटर में। जी सुषमा, अच्छा एक बात सुनो, ऑल्दो इस क्वेश्चन में ना मांगा नहीं है लेकिन कवरेज रेशियो में ना एक फॉर्मूला और आता है और आपसे जानना चाहूंगा उसका फॉर्मूला, ऑल्दो मांगा नहीं है, मान लो पेपर में आ गया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यह भी फॉर्मूला होता है और ना मैंने करवाया और मान लो पेपर में, आपके लिए एक तरह से बाहर से क्वेश्चन आ गया। आपको अगर लॉजिक पता होगा ना तो सर आप इसका भी फॉर्मूला बना लोगे, मतलब पेपर में कोई बाहर से भी चीज आ जाती है जो कि आ सकती है एफएम के पेपर में, आप बना लोगे। बिल्कुल सभी बच्चों ने सही आंसर बताया है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। जो खर्चा कवर करना है वो डिनोमिनेटर में, जिस इनकम से वो खर्चा कवर होगा वो न्यूमिनेटर में। देखो कितना आसान, अब कुछ भी कवरेज आ जाए आपके पास आप बना लोगे। मैं कहूं वेरिएबल कॉस्ट कवरेज रेशो, वो भी बना लोगे, सेल डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो हमने काफी टाइम लगाया इस पे लेकिन अब कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं नहीं देवांग, ना 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 ना, ना। ये वाला जो क्रक्स बताया है ये सिर्फ कवरेज रेशियोज पे लगेगा। अब वो कवरेज रेशियो किसी भी खर्चे की हो सकती है, उस पे लग जाएगा लेकिन सिर्फ कवरेज रेशियोज पे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट कवरेज रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट कवरेज रेशियो, कुछ भी आ सकता है उस पे लगेगा ये क्रक्स। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन का सी पार्ट। अर्निंग यील्ड एंड प्राइस अर्निंग रेशियो, आपसे अब क्या मांगा है? अर्निंग यील्ड एंड प्राइस अर्निंग रेशियो, ध्यान से सुनेंगे सर इसको भी। देखिए पहले मैं आपको ना इसको समझाने के लिए बता रहा हूं और यहां पे ना आप ये लिख भी लीजिएगा। जब हम यील्ड निकालने की बात करते हैं तो सर दो तरीकों की यील्ड आती है, एक होती है अर्निंग यील्ड, ये वाला जो आप कर रहे हो ना, अब ये जो सी पार्ट मांगा है अर्निंग यील्ड, ये आपका अगेन इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, जो अगला चैप्टर में आपको स्टार्ट करवाऊंगा ना उसका टॉपिक है वैसे ही है। लेकिन इतना सिंपल है कि यहीं पे हम इसको समझ के चलते हैं, बल्कि हल्का हल्का आपका अगले चैप्टर का बेस बन जाएगा यहां से। ठीक है सर, समझाओ फिर। तो एक आपसे मांगा है अर्निंग यील्ड, अच्छा मांगा क्या है क्वेश्चन में? अर्निंग यील्ड, क्वेश्चन ने तो अर्निंग यील्ड मांगा है लेकिन सर इसके अलावा ना एक और होता है डिविडेंड यील्ड। ये मांगा नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड होता है तो हम करके चलेंगे। मैं आपको पहले अर्निंग यील्ड का ना फॉर्मूला बताता हूं। अर्निंग यील्ड का सर फॉर्मूला होता है ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस इन 200। इसका भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, आपको यह भी रटने की जरूरत नहीं है। और इसका सर एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी होता है, टोटल अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, एमकेटी लिख दिया, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, और ऑब्वियसली परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। लिखिए एक बार इसको, अर्निंग यील्ड के ये दोनों फॉर्मूलेज लिखिए फिर समझते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा इसी तरीके से डिविडेंड यील्ड के लिए भी एक बारी फॉर्मूलेस लिख लीजिए, डीपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस इन 200। या तो सर ये फॉर्मूला लगता है और इसका अल्टरनेट फॉर्मूला, जैसे मैंने यहां पे अर्निंग यील्ड में आपको लिखवाया, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय
मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। नोट करिए, उसके बाद इसको समझते हैं। जी सार्थक, वो डिनोमिनेटर वाला रूल जो है कि किसी भी फॉर्मूले को समझा जाता है वो डिनोमिनेटर से, वो तो बेटा आप ना, इनफैक्ट मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, फाइनेंस में कहीं की भी बात कर लो, चाहे मेरे कोर्स की बात हो, चाहे बाहर के बात हो, स्टॉक मार्केट की बात हो, कहीं पर भी आपको कोई फॉर्मूला दिख जाए फाइनेंस में, उसको डिनोमिनेटर से ही समझा जाता है। ये एक थंब रूल होता है हमारे फाइनेंस का। ठीक है सार्थक? हाँ जी, नोट हो गया, मेरे को एक बार बता दीजिए, फिर मैं समझाना इसको शुरू करता हूं क्या है ये। सुनेंगे अब, देखिए किसी भी कंपनी का मैं आपसे ना दो सवाल करूंगा यहां पे, उसी से आपका ये लॉजिक निकल जाएगा। पहला सवाल, जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स में पैसे लगाने की बात करते हो, मतलब आपने अभी उस कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया नहीं है, आप हो सर पोटेंशियल इन्वेस्टर, आपने पैसा लगाया नहीं है लेकिन लगा सकते हो, पोटेंशियल हो, पोटेंशियल इन्वेस्टर हो आप, तो सर कोई भी इन्वेस्टर जब किसी कंपनी में पैसा लगाने की सोचता है तो वो तीन चीजों में इंटरेस्टेड होता है, इंटरेस्टेड इन। ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं, कोई ऐसा बुकिश बात नहीं है। कोई भी इन्वेस्टर जब किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाने की बात करता है तो सर वो तीन चीजों का इंडेक्स देखना ही चाहेगा, और आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि वो तीन चीजें तो सर हम देखेंगे ही देखेंगे। क्या सर, क्या है वो तीन चीजें? पहली चीज है ईपीएस। ईपीएस का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। ईपीएस से एक इन्वेस्टर क्या पता लगाता है कि मैं अगर आपकी कंपनी के एक शेयर में पैसा लगाता हूं तो उस पे आप मेरे लिए कमाएंगे कितना। दोबारा रिपीट करता हूं, ईपीएस से एक शेयर होल्डर को पता चलता है कि मैं अगर आपकी कंपनी के एक शेयर में पैसा लगा रहा हूं तो उस एक शेयर के पैसों पर आप मेरे लिए कमाएंगे कितना, अर्न कितना करेंगे। उसके बाद सर वो एक और चीज में इंटरेस्टेड होता है, डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस में। डीपीएस में एक इन्वेस्टर क्यों इंटरेस्टेड होता है? क्योंकि एक इन्वेस्टर सोचता है कि मैं अगर आपकी कंपनी के एक शेयर में पैसा लगाऊंगा उस एक शेयर के पैसों पर आप मेरे लिए कमाएंगे कितना, वो तो ठीक है लेकिन उस कमाई में से मेरे को बांटेंगे कितना, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। आपने मुझसे पैसा ले लिया, उस पैसे पर आप कमाते गए कमाते गए कमाते गए, बहुत बढ़िया बात, लेकिन मेरी रियल इनकम कब होगी? जब आप उस इनकम को मुझको बांटेंगे। तो वो ये भी देखना चाहता है कि कमा कितना रहे हैं और उस कमाई में से बांट कितना रहे हैं। और सर एक आखिरी और चीज में, वैसे तो बहुत सारी चीजें देखता है, ये तीन चीजों तो वो देखेगा ही देखेगा। तीसरी चीज सर एमपीएस। बहुत से शेयर होल्डर क्या होते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मान लीजिए मैंने आज एक कंपनी में 1,00,000 रुपया लगा दिया, 10,000 शेयर खरीदे और आज एक शेयर का प्राइस 10 रुपये था, आज एमपीएस था एक शेयर का 10 रुपये और मैंने 1,00,000 रुपये लगा दिए। वाई वन पे कंपनी ने मेरे को 5% का डिविडेंड बांट दिया, बहुत बढ़िया बात है, मेरे को 5,000 रुपये मिल गए। वाई टू पे कंपनी ने मेरे को 5% का डिविडेंड फिर बांट दिया, बहुत बढ़िया बात, 5,000 रुपये फिर मिल गए। मैंने 2 साल में 1,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर कितना कमा लिया? 10,000 कमा लिया सर, 10,000 का डिविडेंड मैंने कमा लिया। कुछ तो इन्वेस्टर इस सोच के होते हैं जिनको इस तरीके से रिकरिंग इनकम चाहिए। कुछ इन्वेस्टर इस सोच के होते हैं कि अगर वो किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, तो उनकी थिंकिंग होती है कि मेरे को इस तरीके से एक रिकरिंग सम, एक रिकरिंग इनकम मिलती रहे। तो उस रिकरिंग इनकम की फॉर्म क्या बनती है? डिविडेंड। ठीक, लेकिन सर बहुत से इन्वेस्टर इस नेचर के भी होते हैं, जैसे अब मेरे मन में आता है, मैं अगर अपनी आपको बात बताऊं, मैं किसी कंपनी में जब पैसे लगाता हूं तो मेरे को ना इस डिविडेंड से एज सच मैं ज्यादा सोचता नहीं हूं, डिविडेंड बांट रही है कंपनी नहीं बांट रही है। कुछ इन्वेस्टर होते हैं उनके मन में यह आता है कि आज अगर मैंने इस कंपनी के 10,000 शेयर खरीदे हैं 10 रुपए का एक, कंपनी मेरे को ईयर वन पे डिविडेंड ना बांटे चलेगा, कंपनी मेरे को ईयर टू पे डिविडेंड ना बांटे चलेगा, लेकिन कंपनी ने अगर इन दोनों साल मुझको डिविडेंड नहीं बांटा है, क्या कंपनी ने कुछ कमाया भी है? अगर तो कंपनी ने कमाया है फिर भी मुझको डिविडेंड नहीं बांटा चल जाएगा, लेकिन अगर कंपनी ने कमाया ही नहीं है इस वजह से वो मेरे को डिविडेंड नहीं बांट पा रहे कि कमाई नहीं पाई कंपनी, फिर तो बेकार कंपनी है। सर
कमाने के बावजूद डिविडेंड नहीं बांटा। आप कह रहे हो चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा सर। कंपनी ने अर्निंग्स कमाई, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैं आपको एक बार इनकम स्टेटमेंट से दिखाता हूं, यहां पे जो बनाई है हमने सर, कंपनी ने यहां पे अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कमाया, उसमें से कंपनी ने इक्विटी डिविडेंड नहीं बांटा। जितना कम इक्विटी डिविडेंड होगा उतनी ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी। मेरी बात समझ आई? जितना कम इक्विटी डिविडेंड होगा उतनी ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी। तो मैं कह रहा हूं कंपनी ने मेरे को इक्विटी डिविडेंड नहीं बांटा लेकिन अर्निंग्स कमाई थी तो चल जाएगा, क्योंकि फिर कंपनी की क्या ज्यादा आएंगी? रिटेन्ड अर्निंग्स ज्यादा आएंगी। और लिंकेज समझने की कोशिश करिए, बैलेंस शीट रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे आपके सामने, जितनी ज्यादा सर रिटेन्ड अर्निंग्स बैलेंस शीट में, रिटेन्ड अर्निंग्स रिप्रेजेंट होंगी इक्विटी में, जितनी ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी अल्टीमेटली यही पैसा कंपनी अगर मेरे को एज अ डिविडेंड नहीं बांट रही है तो कंपनी अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी। अगर कंपनी इसी अर्निंग्स के पैसे को मेरे को एज अ डिविडेंड नहीं बांट रही है तो कंपनी अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी। बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी तो सर एसेट्स बढ़ेंगे, एसेट्स बढ़ेंगे कंपनी की कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी अगले साल का प्रॉफिट बढ़ सकता है, अगले साल का प्रॉफिट बढ़ेगा तो मार्केट में जो बाकी इन्वेस्टर हैं, आई गेस आपको पूरी लिंकेज समझ आ रही है, अगर सर अगले साल इस कंपनी का इस वजह से प्रॉफिट बढ़ गया तो मार्केट में जो बाकी इन्वेस्टर हैं वो इस कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहेंगे तो शेयर की डिमांड बढ़ा देंगे, शेयर की डिमांड बढ़ाएंगे शेयर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। मतलब अल्टीमेटली सीधी सीधी लिंकेज क्या बनी, अगर कंपनी आज मेरे को डिविडेंड नहीं बांट रही तो कंपनी उस पैसे को रिटेन करके, एक तरह से कंपनी उस पैसे को सेव करके इन्वेस्ट कर रही है, और जो सेव करता है और उस सेविंग को सही जगह पर इन्वेस्ट करता है वही ग्रो करता है। मतलब आपकी कंपनी ग्रो करेगी। ग्रो करने का मतलब सर यहां पे क्या हो गया, जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा था, अगर मेरी कंपनी ग्रो कर गई तो आज मेरी कंपनी के शेयर का प्राइस 10 रुपए था, दो साल डिविडेंड नहीं बांटा लेकिन अर्निंग्स कमाई थी, उन अर्निंग्स को सेव करते गए, रिटेन करते गए और बिजनेस में इन्वेस्ट करते गए, इस वजह से ग्रो करते गए, दो साल बाद इसका एमपीएस बढ़ चुका होगा, मान लो इसका एमपीएस 50 रुपए हो चुका है, क्योंकि हर साल कंपनी ग्रो करेगी और लोग कंपनी के शेयर में पैसा लगाना चाहेंगे, डिमांड बढ़ेगी जिस वजह से अल्टीमेटली शेयर के प्राइसेस मार्केट में बढ़ते जाएंगे, 50 रुपए का हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इन अ सिंगल शॉट अपने 10,000 शेयर्स 50 रुपए के हिसाब से बेच दूंगा, कितने में बिकेंगे, 5 लाख में, कितने के खरीदे थे, 1 लाख में, इन अ सिंगल शॉट कितना कमा लिया, 4 लाख, 1 लाख रुपया लगाकर 5 लाख में बेच दिए, 4 लाख रुपया मैंने कमा लिया। अल्टीमेटली मैं आपको बता रहा था कुछ इन्वेस्टर होते हैं जिनको रिकरिंग चाहिए होता है, जिनका घर इससे चलना है, कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो कि कहते हैं हमारा घर इससे नहीं चलना, हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। देखो बड़ी सिंपल सी बात, अगर आपको लगता है आपकी लाइवलीहुड ही यही इनकम है, आपको स्टॉक मार्केट से ही पैसा कमाना है जिससे आपका घर चलेगा, तो आप इसके पीछे भागोगे। अगर आपको लगता है यार आप अपनी लाइवलीहुड किसी और सोर्स से कमा रहे हो, ये आपका डुअल सोर्स है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग सोचोगे, और इसको बोलते हैं सर वैल्यू इन्वेस्टिंग। बाय द वे ये सारी कहानी मैंने आपको क्यों बताई, तीसरी चीज मार्केट प्राइस पर शेयर में वो इंटरेस्टेड होता है, क्यों इंटरेस्टेड होता है, आई गेस आपको बात समझ आ गई। सर अगर कंपनी डिविडेंड बांटती जाएगी क्या इस केस में मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं बढ़ेगा? बड़ी सिंपल सी बात है सर, जितनी कम सेविंग होंगी, जितनी कम रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी, कंपनी के लिए रिटेन्ड अर्निंग्स ही उनकी सेविंग है, जितनी कम सेविंग होंगी उतना आगे कम इन्वेस्ट कर पाओगे, जितना आगे बिजनेस में कम इन्वेस्ट कर पाओगे उतना कम ग्रो करोगे, एज सिंपल एज दैट। मेरे को बताओ क्या आपको यहां तक की सारी बात पूरे लॉजिक के साथ पूरी लिंकेज समझ आई है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? और जिंदा लाशें तो नहीं बनने वाले, जाग रहे हैं सभी नालायक? हां जी बताएंगे एक बारी, कोई बोलता नहीं, सब चुप हो गए, ओके अब जवाब आ रहे हैं। चलिए तो सर यहां पे मैं आपको बता रहा था तीन चीजों में एक इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होता है। आप यहां पे जो अर्निंग यील्ड निकाल रहे हैं, अर्निंग यील्ड का मतलब क्या है, फॉर्मूला यहां पे बनता है ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस। और मैंने आपको बिल्कुल सही देवांग, अल्टीमेटली रिच डैड पुअर डैड, अल्टीमेटली उसमें यही बात करी गई थी, एक तरह से उस एक कहानी में पूरे फाइनेंस का सार है।
ठीक है ना, जस्ट है पूरे उसका, मेरी बात सुनेंगे अब। अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला बनता है ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस। मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी भी फॉर्मूले को समझा जाता है सर डिनोमिनेटर से समझा जाता है। तो ये फॉर्मूला डिनोमिनेटर से क्या कह रहा है, एक इक्विटी इन्वेस्टर, एक पोटेंशियल इक्विटी इन्वेस्टर जो कि ईपीएस में इंटरेस्टेड है, वो अपनी कंपनी को अपना इंटरेस्ट कैसे जाहिर कर रहा है। दोबारा रिपीट करता हूं, एक पोटेंशियल इन्वेस्टर जो कि इस कंपनी को एनालाइज कर रहा है और एनालाइज करते हुए ईपीएस को देखकर एक कंपनी से क्या सवाल उठाता है। आज अगर आपकी कंपनी में एक शेयर में पैसा लगाऊं, आज आपकी कंपनी का एक शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर में खरीदना पड़ेगा, तो आज अगर आपकी कंपनी के एक शेयर में पैसा लगाऊं तो उस एक शेयर के पैसों पर आप मेरे लिए कमाएंगे कितना, उस बात की परसेंटेज अर्निंग यील्ड है। यील्ड का मतलब ही क्या होता है, रिटर्न। दोबारा रिपीट करता हूं, आज आपकी कंपनी के एक शेयर में पैसा लगाता हूं जो कि एमपीएस में आएगा, तो उस पर आप मेरे लिए कितनी अर्निंग्स कमाएंगे, एक शेयर पे फिर आप मेरे लिए कमाएंगे कितना, उस बात की परसेंटेज अर्निंग यील्ड। दूसरी चीज में इंटरेस्टेड है एक इन्वेस्टर डीपीएस में, तो उसके रिगार्डिंग वो कंपनी से पूछता है डिविडेंड यील्ड। मतलब डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला शायद आप खुद बना लेंगे अब, डीपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस इनटू 100। और इस फॉर्मूले में क्या सवाल पूछता है एक इन्वेस्टर कंपनी से, कि आज अगर आपकी कंपनी के एक शेयर में पैसा लगाता हूं जो कि एमपीएस का आएगा, तो उस पर आप मेरे लिए जो कमाएंगे, उस कमाई में से आप मेरे को बांटेंगे कितना, उस बात की परसेंटेज, उस बात की रिटर्न। तो डिविडेंड यील्ड एक तरह से बटे हुए पैसे की रिटर्न, अर्निंग यील्ड एक तरह से आपके लिए कमाई हुई रिटर्न। मेरे को बताइए दोनों का मतलब समझ आया आपको, और पूरी लिंकेज बन गई है यहां पे जो मैंने आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट बताया है। एक तरह से ना ये बड़ी नॉर्मल चीजें होती हैं, यहां पे मैंने बस आपको एक तरह से लिंकेज करवाई है, ऐसेच कोई आपके लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। बिल्कुल अल्टीमेटली डिनोमिनेटर में वो आएगा जो आप लगा रहे हैं, न्यूमिरेटर में आएगा उस पर आप कमाएंगे क्या, ठीक है ना। एक सिंपल सी चीज है, आप सोचते हो कि यार बैंक की एफडी में लाख रुपया लगाऊंगा और एक साल बाद बैंक उस एफडी पे 10,000 का रिटर्न देगा, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप बोल देते हो 10% का रिटर्न है एफडी पर, तो अल्टीमेटली इसमें भी तो आप यही बोल रहे हो, आज लगाना कितना पड़ेगा लाख रुपए, यहां पे आज लगाना कितना पड़ेगा एमपीएस, उस पर कमाओगे कितना 10,000, यहां पे कमाओगे कितना ईपीएस, यहां पर बांटोगे कितना डीपीएस। सिंपल बात, कोई बड़े बड़े खेल थोड़ा ना है यहां पे। अच्छा सर एक बात बताओ, आपने ना ये वाले फॉर्मूले तो हमको लिखवाए, अल्टीमेटली अर्निंग यील्ड में आपने हमको फॉर्मूला लिखवाया ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस इनटू 100, और उसके बाद उसका एक अल्टरनेट फॉर्मूला भी लिखवाया, ये क्या है, शायद आप समझ गए हो, लेकिन यहां पे देख लीजिए, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, फॉर द सिंपल रीजन ये वाला जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपका पर शेयर के हिसाब से बना है, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका टोटल के हिसाब से बना है, बात वही है। बिल्कुल सही देवांग, सेम ही है, बिल्कुल सही सुषमा। यहां पे ईपीएस लिखा है एक शेयर पे कितना कमाओगे, यहां पे टोटल लिखा है टोटल कितना कमाओगे, यहां पे लिखा है एक शेयर का प्राइस, यहां पे लिखा है सभी शेयर का प्राइस, अल्टीमेटली आंसर सेम आने वाला है। वही काम मैंने यहां पे डिविडेंड वाले केस में किया है। मेरे को बताइए पूरी बात समझ आ गई यहां पे, तो अब मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पे बढ़ूंगा, मेरे एंड से ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, बताएंगे आप। हाँ जी बता दो, सभी को क्लियर हो गया, चलिए फिर। तो अब यहां पे क्वेश्चन ने तो आपसे अर्निंग यील्ड मांगा था, अर्निंग यील्ड ईपीएस, ईपीएस हमारे पास आ जाएगा, हम अलग से अभी निकाल लेंगे, ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस इनटू 100। एमपीएस आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये वाला डेटा डी पॉइंट 23 पर शेयर, ओके। ईपीएस यहां पे निकाल लेते हैं, ईपीएस कैसे आएगा, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आपने अभी अपनी इनकम स्टेटमेंट पे निकाला हुआ है 230,000, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स
आपके पास यहां पे स्टेटमेंट में दिया हुआ है 8 लाख रुपए की इक्विटी कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए? 80,000। यहां से आपके पास ईपीएस आ जाएगा 2.875। ठीक है जी, बिल्कुल सही प्रभव, बिल्कुल सही यश जी देवांग, इसी को यहां पे लिख देंगे 2.875। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास आंसर आ जाएगा 12.5%। एक तरह से इस 12.5% का मतलब क्या है कि आज अगर इस कंपनी के एक शेयर में पैसा लगाओगे जो कि 23 रुपए का है, तो आपकी 23 रुपए पर कंपनी आपके लिए कमाएगी कितना? 2.875, दैट इज 12.5%। ठीक है जी। और सर इसी पार्ट में आपसे क्वेश्चन ने मांगा है प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला होता है एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। अभी के लिए आप बस ये फॉर्मूला एज इट इज कर लो, इसका भी पूरा पूरा लॉजिक आपके सिलेबस में है, वो मैं अभी इस टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें आपसे डिस्कस करूंगा। बस अभी के लिए इसका फॉर्मूला आपको एज इट इज करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट फिर नेक्स्ट चैप्टर पे ही पूरा लिंक्ड जाएगा, तो तब करेंगे। ऑल द फॉर्मूला है एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। मार्केट प्राइस पर शेयर आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 23 डिवाइडेड बाय ईपीएस, आपने अभी निकाला 2.875। बस सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 8। और ये टाइम्स में मेजर होता है। इसका लॉजिक मैं आपको अभी थोड़ी देर में या तो क्लास खत्म करके नहीं तो नेक्स्ट क्लास के कॉन्सेप्ट में ये मर्ज होता है, तो मैं वहां पे इसको समझाऊंगा। हाँ प्रतिष्ठा, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है ज्यादा डेटा कंज्यूम करे। आपका डेटा खत्म हो गया क्या? बताओ, अब तुम्हारा इंटरनेट पैकेज भी मैं डलवाऊं नालायकों? भाई क्लास में दिक्कत आ रही है या सही चल रही है, बताओ एक बारी। ओके देवांग, प्रतिष्ठा कह रही है डेटा खत्म हो गया, वाह बेटा वाह। बेटा अब जब सारी चीजें इंटरनेट पे चल रही हैं वो थोड़ा सा देखो आपको मैनेज करना होगा। एक बात कहो, तुम्हारा डेटा खत्म हो गया तो तुम क्लास कैसे देख रहे हो? और तुम एक बात बताओ, मेरा भी तो देखो, मेरा कितना डेटा लग रहा होगा फिर। तो फिर दिक्कत क्या है नालायक? कह रहे हो वाईफाई? बड़े चलाक हैं, सही बात है सार्थक, सुनेंगे मेरी बात आगे। अच्छा यहां पे अब आपके पास सी पार्ट भी हो गया, डी पार्ट। इसके बाद स्क्रीन स्टक हो गई है भाई, स्क्रीन रुक गई है क्या? बताओ एक बारी, कोई दिक्कत आ रही है, स्क्रीन रुक गई है, कुछ ऐसा है? नहीं, हिमानी बस, हिमानी का तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है कई बारी नालायक। नहीं प्रतिष्ठा अभी ठीक है स्क्रीन, एक बार या तो एग्जिट करके देखो, मतलब एग्जिट करके फिर इन होके देखो एक बारी, अभी तो बिल्कुल सब सही चल रहा है। एनीवे, डी पार्ट में आपसे मांगा है नेट फंड फ्लो। सर ये क्या होता है? बस खत्म बेटे खत्म, आखिरी सांसें ले रहा है ये क्वेश्चन अपनी। आपसे डी पार्ट में मांगा है नेट फंड फ्लो। हाँ हिमानी को ही बोला है, और मेरे को पता है हिमानी एक लड़की है सर, लेकिन उसने जो लिखा है मैं वो पढ़ रहा हूं नालायक। नेट फंड फ्लो, अब सर नेट फंड फ्लो का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। आपने जो ये पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाई है, सेल्स में से आपने सारे खर्चे माइनस किए, पहले आपने ऑपरेटिंग नेचर के खर्चे माइनस किए, उसके बाद आपने फाइनेंसिंग नेचर के खर्चे माइनस किए, एट द एंड ऑफ द डे आपने सब कुछ माइनस करने के बाद जो खर्चे थे या इनकम को बांटना था वो सब करने के बाद आपने कहा आपके पास नेट फंड बचा है, आपके पास नेट पैसा बचा है 1,10,000 रिटेन्ड अर्निंग्स। तो सर ये जो एंड में आपके पास सारे खर्चे सब कुछ बांटने के बाद जो आपके पास बचता है ना, यही होता है आपका नेट फंड फ्लो। लेकिन एक कैच है इसमें, क्या कैच है सर सुनेंगे मेरी बात। ये सार्थक यार, सार्थक ये बहुत गंदा था,
क्या कह रहा है सार्थक, मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा। ये तुमको समझ आया? ये पागल तो नहीं हो गया? क्या हो गया भाई सार्थक? सुबह कॉस्टिंग वाली क्लास में भी तू ऐसे ही कर रहा था। मेरे को लग रहा है कुछ हो गया इसके साथ, कहीं से बहुत बड़ा धोखा मिला है इसको, जिसकी वजह से दिमाग खराब हो गया है इसका। मेरी बात सुनो, यहां पे नेट फंड फ्लो में कैच सुनिए। जो आपने यहां पे, बस अब ध्यान से सुनेंगे, जो आपने यहां पे रिटेन्ड अर्निंग्स निकाली है 110,000, बस सुनेंगे, जो आपने यहां पे 110,000 की रिटेन्ड अर्निंग्स निकाली है, ये सर आपने निकाली है अक्रूअल बेसिस पर। किस बेसिस पर निकाली है? अक्रूअल मतलब अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी है ना, वो भी आपने यहां से माइनस किया है। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, वो भी आपने यहां से माइनस किया है। अगर किसी का कैश नहीं भी गया है आपकी जेब से, वो भी आपने यहां से माइनस किया है। जैसे कि डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन को फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्लूड करके आपने माइनस कर रखा है, तब जाके आपने रिटेन्ड अर्निंग्स निकाली है। मेरे कहने का मतलब है, रिटेन्ड अर्निंग्स ठीक है अक्रूअल बेसिस पे 110,000 है, लेकिन क्या आपके पास अगर यही एक डेटा है, क्या कैश में भी आपके पास 110,000 होगा? नहीं सर, कैश में ये जो डिप्रिसिएशन नाम का हमने फिक्स्ड खर्चा माइनस किया है, कैश में तो सर ये भी होगा मेरे पास, क्योंकि ये खर्चा मेरी जेब से थोड़ा ना निकला है। बस आपको इसी चीज का इंपैक्ट रिटेन्ड अर्निंग्स में डालना है। आप बोलोगे यहां पे कि आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स तो ठीक है, ये तो आपके पास कैश में होगा ही होगा, प्लस जो डिप्रिसिएशन है ये आप यहां पे ऐड बैक करेंगे, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर था और इसका पैसा भी आपके पास आपकी जेब में पड़ा हुआ है। तो एक तरह से नेट फंड फ्लो इज नथिंग एल्स बट कैश की टर्म्स में आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी बची हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, नेट फंड फ्लो इज नथिंग एल्स बट कैश की फॉर्म में आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी बची हैं। तो नॉर्मली आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स 110,000 थी और डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर 96,800 था, तो आपके पास ये टोटल आएगा 206,800। एंड दिस इज इट, ये था आपका ये क्वेश्चन, कंप्लीट करिए। काफी टाइम लगाया हमने इस क्वेश्चन को करने में, जो भी कॉन्सेप्ट्स थे इन एंड आउट हमने यहां पे समझे, आई गेस आपको पूरा का पूरा समझ बस अच्छे से आ गया है। और यही रीजन था जो मैंने आपको इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करवाया, कि पेपर से एक दिन पहले भी आपको ये रिवाइज करना है, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर्ड अप हो जाते हैं। कंप्लीट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। फिर हिमानी डाउट बताइए, पूरा रिपीट नहीं करूंगा मैं, आप वीडियो देख लीजिएगा दोबारा पूरी रिपीट के लिए, तो डाउट बताइए आप। तब तक मैं अगला क्वेश्चन ढूंढता हूं। डिप्रिसिएशन वाला पार्ट नहीं आया समझ हिमानी, अगर आपको डिप्रिसिएशन वाला पार्ट नहीं समझ आया, तो जो मैंने क्रक्स बोला फिर आपको वो भी नहीं समझ आया, आपको कुछ भी नहीं समझ आया। फिर देखिए मैंने यहां पे क्या बात बोली, नेट फंड फ्लो क्या है, जो आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स बची हैं वही नेट फंड फ्लो है, लेकिन ये रिटेन्ड अर्निंग्स जो आपके पास कैश की फॉर्म में बची हैं वो है नेट फंड फ्लो। आपने जो रिटेन्ड अर्निंग्स इनकम स्टेटमेंट में निकाली हैं, उस रिटेन्ड अर्निंग्स को निकालने के लिए आपने डिप्रिसिएशन माइनस किया है, जो कि नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। आपकी जेब से उस डिप्रिसिएशन के लिए एक्चुअली में कैश थोड़ा ना गया, वो कैश तो आपके पास होगा। तो अल्टीमेटली नेट फंड फ्लो का मतलब है कैश की फॉर्म में आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी बची हैं। तो जो रिटेन्ड अर्निंग्स आई थी वो मैंने एज इट इज लिख दी, और उसमें जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर था जो मेरी जेब से गया नहीं, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स को माइनस करने के लिए, सॉरी, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स को कंप्यूट करने के लिए मैंने माइनस कर रखा था, वो मैंने एड बैक कर दिया, क्योंकि वो उसका कैश भी मेरे पास है यहां पे। हिमानी बताइए समझ आया या नहीं? यार प्लीज यहां पे थोड़ा आराम से बोलो यार, पूरी आवाज आ रही है। हां जी समझ आया? कुलदीप यार यहां पे बहुत आवाज आ रही है यार, पूरी क्लास में आ रही है। ओके जी आगे बढ़ते हैं, आप चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे अब इसके बाद। भाई मुश्किल तो नहीं लग रहा चैप्टर? बस खत्म करेंगे कुछ और क्वेश्चंस करके, देखो कितना आसान, मैंने कहा ही था ये तो बहुत आसान है। तो सर एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं,
क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए, अगला ही क्वेश्चन इसका। जी देवांग, क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर है ये आपका 33। पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 16। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। होश में हो सब? सोने तो नहीं वाले? देवांग आप इसके लिए कुलदीप भैया को फोन कर लीजिएगा, ठीक है, वो आपको बता देंगे। मेरे ख्याल से मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला भी था कि मैं पूछ के बताऊंगा, मैं खुद ही भूल गया हूँ। मैं आज की क्लास में पूछ के एक बारी आपकी क्लास के बाद ग्रुप पे ही आपको इन्फॉर्म करवा दूंगा, ठीक है ना? ठीक है देवांग, आज ही इन्फॉर्म करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी प्रिपेयर देयर इनकम स्टेटमेंट्स। बस आपसे इनकम स्टेटमेंट मांगा है जो हम बनाते हैं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। कितना आसान क्वेश्चन, डेटा दिया हुआ है सर दोनों कंपनीज का आपके पास, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, बल्कि आंसर आपको निकाल के दे रखा है फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज वगैरह का, इनकम टैक्स रेट, सेल्स, सारा डेटा सर आपको दे रखा है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, बीच बीच में कहीं कहीं कुछ कुछ डेटा मिसिंग है, वहां पे कुछ दिक्कतें आएंगी, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए, इनकम स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन ना एक तरह से आपका फिल द मिसिंग फिगर्स टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना एक स्टेटमेंट में, वो है आपका। बिल्कुल सही देवांग। तो पहले एक काम करते हैं, पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं, उसमें जो डेटा आपके पास क्वेश्चन में रेडिली अवेलेबल होगा उसको लिख लेंगे, बाकी डेटा को देख लेंगे, अपने आप ही आपको समझ आ जाएगा कहां से क्या चीज निकलेगी। जी सर, आइए फिर इनकम स्टेटमेंट यही बनानी है, दोनों कंपनीज की बनानी है। यहां पे लिख दिया ए, यहां पे लिख दिया बी, और ये आ गए पर्टिकुलर्स। तो सर स्टेटमेंट में सबसे पहले तो सेल्स आ जाएंगी, माइनस करेंगे यहां से वेरिएबल कॉस्ट, आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट, आपके पास यहां पे ईबीआईटी आ जाएगा, माइनस करेंगे यहां से इंटरेस्ट, आपके पास ईबीटी आ जाएगा। बाकी का डेटा अभी बाद में देखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। टैक्स रेट दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, दे रखा है तो लिख देते हैं, ओके। माइनस टैक्स, आपके पास ईएटी आ जाएगा। अभी हम ईएटी तक का अपना फॉर्मेट बनाकर चलते हैं, अगर कुछ और डेटा बाद में मेरे को लगा क्वेश्चन में दे रखा है इसके आगे का भी तो देख लेंगे, ईएटी तक की तो बात कर ही लेते हैं क्योंकि टैक्स रेट भी दे रखा है। अब जो जो डेटा आपके पास जिस जिस कंपनी का जो दे रखा है ना उसको पहले फिल कर देते हैं। तो कंपनी ए में सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, ये आपको कंपनी ए की दे रखी है 56,000, लिख दूं 56,000, और आपकी रेफरेंस के लिए इसी के ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि रिवाइज करते हुए ध्यान में रहे कि ये गिवन था, ये हमने कोई फाइंड आउट नहीं किया। बी में तो सिंपल सी बात लिख रखी है 60% ऑफ सेल्स, तो अगर सेल्स गिवन होगी तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, ऑल्दो मैंने अभी ये लिखा है। फिक्स्ड कॉस्ट भी आपको कंपनी ए की दे रखी है 20,000, कंपनी बी की दे ही नहीं रखी, बहुत बढ़िया, 20,000 ये भी गिवन और कंपनी बी की दे ही नहीं रखी। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ये आपको दोनों के दे रखे हैं 12,000, 9,000 लिख देते हैं, 12,000, 9,000 ये दोनों चीजें आपके पास गिवन हैं, ठीक है जी। उसके बाद इंटरेस्ट भी हो गया, फिर आपके पास फाइनेंशियल लिवरेज, अभी देखेंगे फॉर्मूले से कुछ निकलेगा या नहीं। ऑपरेटिंग लिवरेज, एक का फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है, एक का ऑपरेटिंग लिवरेज, बाद में देखते हैं अभी। इनकम टैक्स रेट दोनों का दे रखा है 30-30%, ये भी अभी पहले ईबीटी तो आए फिर ही तो टैक्स रेट का फायदा है। आपको सेल्स दे रखी है बी कंपनी की, बहुत बढ़िया, बी कंपनी की आपको 105,000 की सेल्स दे रखी है गिवन। अब आपके पास अगर बी कंपनी की सर सेल्स हैं, ये हो चुका है, तो फिर आपके पास इस डेटा का भी यूज आ गया, वेरिएबल कॉस्ट है 60% ऑफ सेल्स, तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी 105,000 का 60%, तो ये आएगा
63,000। और सर अगर ये आ गया आपके पास तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर यहां पे कंट्रीब्यूशन बच जाएगा 42,000। बिल्कुल सही देवांग, ओके यश। तो यहां तक का डेटा जो भी मेरे पास क्वेश्चन में था ना, उससे जो भी आ सकता था वो सब तो सर जो रेडिली अवेलेबल था ना वो सब तो मैं लिख चुका हूं। अब आगे देखते हैं क्या कॉम्पिटिशन बनेगी क्या नहीं। पहले यहां तक सारी नोटिंग कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। 2-3 मिनट का क्वेश्चन है बस, ये बिल्कुल आसान हो गया यहां तक कंप्लीट। हां जी हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भाई सो तो नहीं गए तुम? हां जी कोई बोलता ही नहीं, नालायक हैं सब। ओके प्रभव ठीक है। चलिए वर्किंग नोट 1 देखिए। एक एक कंपनी से शुरुआत करते हैं। आपको कंपनी ए का फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है, कुछ ना इसी से ही निकलेगा। ओके देवांग, ओके यश, कुछ ना कुछ इसी से निकलेगा। क्या निकलेगा आइए देखते हैं। तो मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं कंपनी ए। अभी मैं कंपनी ए की बात कर रहा हूं जिसका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आपको दिया हुआ है 5:1। अल्टीमेटली 5 दिया हुआ है। और सर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले की यहां पे बात होगी नहीं क्योंकि कोई दो डेटास नहीं दे रखे, सिंगल डेटा भी पूरा नहीं दे रखा, दो डेटास की तो बात बाद में करेंगे। तो सर यह फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। क्या इस फॉर्मूले से मिलती जुलती कोई चीज आपके पास है? नहीं सर, ना तो ईबीआईटी है ना ईबीटी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं इसी फॉर्मूले को ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। हां जी, क्या मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकता हूं ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी को ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट? किसी नालायक के मन में आए कि सर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे ना बना के ऐसे बना लूं, ईबीटी प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ईबीटी। जी बना सकते हो। अल्टीमेटली मैंने जो किया डिनोमिनेटर को बदला, आपने न्यूमिरेटर को बदल लिया, तो दिक्कत थोड़ी ना है। जी सर ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। अब देखिए ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। कंपनी ए का सर आपके पास इंटरेस्ट है 12,000 माइनस 12,000 इक्वल्स टू 5। आपके पास इक्वेशन बनेगी ईबीआईटी की टर्म्स में और यहां से आपके पास कंपनी ए का ईबीआईटी आ जाएगा। सॉल्विंग दिस ईबीआईटी इज इक्वल टू, समझ आया आपको? फॉर्मूले को थोड़ा सा मोल्ड किया है बस। 3,000 ईबीटी है 15,000। ओके तो ईबीआईटी आपके पास 15,000 आ जाएगा। हां जी यही आया सबका? किसी नालायक को इसकी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत परेशानी? बताएंगे, समझ आ गया? तो सर आपके पास वर्किंग नोट नंबर 1 से ईबीआईटी आ चुका है। मैं यहां पे वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस डाल के यहां पे 15,000। अच्छा इंटरेस्ट 12,000 माइनस होगा तो आपके पास ईबीटी आ जाएगा 3,000 बैलेंसिंग फिगर। आपके पास कंपनी ए का टैक्स रेट भी था 30%। टैक्स तो मेरे ख्याल से दोनों का ही सेम है तो यहीं पे लिख देता हूं टैक्स रेट 30%। तो 3,000 का 30% आपके पास 900, टैक्स भी आ जाएगा, ईएटी आपके पास 2100 बच जाएगी। ठीक, तो यहां की इनकम स्टेटमेंट हो गई। रिवर्स वर्किंग कर लेते हैं। ईबीआईटी 15,000, फिक्स्ड कॉस्ट 20,000, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। जी सर 20,000 प्लस 15,000 35,000 आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन आ गया, वेरिएबल कॉस्ट है, सेल्स आ जाएगी। जी सर यहां से आपने कर दी रिवर्स वर्किंग, ये कितनी आएगी 91,000 56,000 प्लस 35,000। ठीक है जी, अल्टीमेटली कंपनी ए की इनकम स्टेटमेंट पूरी हो गई। हां सर, अब इसी तरीके से कुछ दिमाग लगाते हैं। कंपनी बी का आपको ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है। अब तो आपको हिंट मिल गया ये क्वेश्चन करना कैसे है। चलिए वर्किंग नोट नंबर 2, कंपनी
बी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना दिया हुआ है, 4:1 मतलब 4 इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। अब सर इस फॉर्मूले को कैसे मोल्ड किया जा सकता है, डेटा देखते हैं एक बारी। आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दे रखी, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी दे रखा है आपको, ईबीआईटी सॉरी। तो ईबीआईटी आपके पास इसका ईबीआईटी भी नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक मिनट, ये तो फिर डायरेक्टली हो जाएगा। ओहो, इसमें तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है नालायक। सीधा सीधा आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है कितना, 42,000 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। देयरफॉर ईबीआईटी इज इक्वल टू कितना, 10,500। यहां पे तो फॉर्मूले को मोल्ड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली आ गया। चलिए इसको कोट कर देते हैं ऊपर। अब ईबीआईटी 10,500 वर्किंग नोट नंबर 2। बैलेंसिंग फिगर आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट 42,000 माइनस 10,500 31,500। 10,500 ईबीआईटी, 9,000 रुपए का आपके पास इंटरेस्ट, तो बाकी बच गया आपके पास 1,500। ये आपका ईबीटी, इस पे 30% टैक्स 450। आपके पास ईएटी बचेगा 1050 एंड दिस इज इट। आसान था क्वेश्चन बिल्कुल, बस इसमें एक छोटा सा वही एक ट्रिक पॉइंट था कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज के फॉर्मूले को किस तरीके से मोल्ड करना है। बस अल्टीमेटली आप उसको न्यूमरेटर वाइज, डिनोमिनेटर वाइज, किसी भी वाइज आप उसको मोल्ड कर सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात है नहीं है। कंप्लीट करिए इसको, जैसे ही हो जाए मुझे बताइए एक बारी। ओके प्रभव, ओके यश, ओके देवांग, ठीक है प्रांजलि, ठीक है रचना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सबका हो गया। आर्यन क्लियर है, हिमानी, सुषमा ठीक है, सुषमा, प्रतिष्ठा कहाँ गई, अच्छा उस बेचारे का नेट खत्म हो गया मेरे ख्याल से। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से कर लेंगे। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। आप अभी तक नाराज हो सुबह की बात से? जी सर, हम बहुत नाराज हैं तुमसे सर। हाँ जी सर, मजा नहीं आया, जरा एक क्वेश्चन और करा दो। यार तुम्हारा एक दो क्वेश्चन से मन नहीं भरता क्या? नहीं सर, नहीं भरता, कराओ। ओके आइए फिर क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। लग तो नहीं रहा सर। ओके अच्छा प्रतिष्ठा है। ओके क्वेश्चन नंबर 18, एक सेकंड बस मैं एक चीज और नोटिस कर लूं एक बारी, इसके बाद चलो जी चलो। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैन चाइल्ड, हिमानी मेरे को ये बताओ, मतलब तो मेरे को इसका मालूम है लेकिन ये बात यहां पे आई कहां से, जरा मेरे को समझाओ। ऐसे ही जो आपने पहले बोला था वो बात यहां पे आई कहां से, ये समझाओ मेरे को एक बारी। या तुम एक साइड पे क्लास चलाती हो, एक साइड पे कोई ना कोई नेटफ्लिक्स पे सीरीज चला के बैठती हो जिसमें कुछ ना कुछ आ रहा होता होगा और वही उठा के लिख देती हो नालायक। क्यों देवांग, क्यों ना किया करूं खुद से बात, तुम बात करते नहीं मुझसे, मैं बोलता रह जाता हूं। बस तुम्हारी कॉस्टिंग के क्लास के बाद से सर चालू था, फिर मैंने कहा चलो ज्यादा हो जाएगा तो अभी बंद कर देता हूं। ठीक है यश। हिमानी कह रही है आई नो अ साइकाइट्रिस्ट, आई डोंट नीड वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर है नालायकों, मतलब कैसे कैसे बच्चे हैं, कह रहे हैं सर आपको साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। ओहो पेज नंबर 35 है ये आपका। देवांग कह रहा है वन इन माय फैमिली,
आई डोंट नीड इट. चलिए, द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ आरएसटी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March आर गिवन बिलो. आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन. ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है, कंबाइंड लिवरेज दिया हुआ है. गजब बात हो गई सर, इस क्वेश्चन में आंसर दे रखा है. साइको की नहीं बंदी बनाए क्या लिख रहा है. ऑपरेटिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज आपको दे रखा है. इन दोनों को यूज करके डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आ जाएगा. जो हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज. इनकम टैक्स रेट आपको दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है 12% का डिबेंचर, इक्विटी शेयर कैपिटल. नालायक हो, बस बंद करो अब. सही बोल रहा है वैसे, समझ आ गई मेरे. ओके हिमानी, चलिए ये सारा आपको डेटा दिया हुआ है. पहले पार्ट में आपसे मांगा क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज पीवी रेशो. गजब बात हो गई सर, ये तो हमने कॉस्टिंग में पढ़ा है. यहां पे भी मांग सकते हैं. और आपसे मांगा है अर्निंग प्राइस पर शेयर, सॉरी अर्निंग पर शेयर. ठीक है जी, आइए. इसके लिए सर पहला पार्ट करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, फाइनेंशियल लिवरेज तो डायरेक्टली आ जाएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है, कंबाइंड लिवरेज दे रखा है, वो रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फाइनेंशियल लिवरेज आ जाएगा. पीवी रेशियो के लिए सर कंट्रीब्यूशन और सेल्स चाहिए, चलो वहां तक की इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे. अर्निंग पर शेयर के लिए सर अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तक की इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी. ये बात मैं इस तरीके से आपसे इसलिए कर रहा हूं, क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगा, अल्टीमेटली सर आपको इनकम स्टेटमेंट ही बनानी पड़ेगी. आइए फिर स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 है ये. इनकम स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. अच्छा, सबसे पहले तो यहां पे सेल्स साथ साथ देख लेते हैं. कुछ डेटा जो भी दिया हुआ है, सेल्स आपको दी हुई है 30 लाख. लिख दें इसको एज इट इज, गिवन थर्टी लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट सर अभी तक तो आपको नहीं दे रखी है, बाद में देखेंगे कुछ ना कुछ रिवर्स वर्किंग से आती होगी तो. ओके, ये माइनस करके आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन. सभी बच्चों ने एक साथ बोला सर स्क्रीन ब्लर हो गई सभी की. यार मेरे एंड से तो बिल्कुल मेरे को क्लियर दिखा रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा है, नेट भी एकदम सही दिखा रहा है. ओहो एक सेकेंड, रुको रुको रुको. माइनस करेंगे यहां से फिक्स्ड कॉस्ट. क्या फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है? यस सर, फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट आपको 2,04,000 रुपए गिवन है. ऑल्दो इस चीज से आप टेंशन फ्री हो जाओ, जो नेट यूसेज का आप बता रहे हो उस पे मैं वर्कआउट कर लूंगा. ठीक है ना, नेट यूसेज पे हम लोग वर्कआउट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ताकि आपका कम से कम नेट लगे. लेकिन फॉर द टाइम बिंग देखो इस पे करना पड़ेगा. ठीक है ना, ये आपको गिवन है ये भी. लेकिन इतनी मेरी आपसे कमिटमेंट है कि मैं आईटी वाले बंदे को आज ही बोल दूंगा कि वो नेट यूसेज पे काम करेगा थोड़ा सा. ठीक है ना. अच्छा, ईबीआईटी में से उसके बाद माइनस होगा इंटरेस्ट. एट द एंड ऑफ द डे तुमको क्लास में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस ग्लिच फ्री क्लास चलनी चाहिए. अच्छा, इंटरेस्ट के लिए सर डिबेंचर्स दे रखे हैं 12% के कूपन रेट के हिसाब से 21,25,000 कैपिटल है. ओके, कूपन रेट है इसका 12%. टू लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड ये आ जाएगा आपके पास ईबीटी. बेटा क्लास अटक रही है, सबकी अटक रही है क्या? ये तुम लोगों के नेट की वजह से है, क्योंकि मेरे एंड से यहां पे बिल्कुल सही चल रहा है. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं फिर अभी यहां पे. ठीक है, आप स्क्रीन शेयर में देख लो.
क्या नहीं, क्या नहीं सुषमा, क्या हो गया? ये लीजिए, कोई बात नहीं, फिर इसको बाद में देखेंगे। मेरे को बताओ, स्क्रीन दिख रही है अब आपको? हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है अब आपको? बता दो। नालायकों बोल लो कुछ। चलिए, तो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, इंटरेस्ट हमारे पास आ गया था क्वेश्चन के डेटा से 2,55,000। आई गेस अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अभी एकदम सही चल रही है। माइनस करते हैं हम यहां से टैक्स। टैक्स का रेट आपको क्वेश्चन में 30% दिया हुआ है। अब ईबीटी तो आया नहीं है, ईबीटी आ जाएगा तो हमारे पास टैक्स भी आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यहां पर हम लिख देते हैं ईएटी। अच्छा, ईएटी में से फिर माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन सर, प्रेफरेंस डिविडेंड का ना यहां पे कुछ डेटा ही नहीं है, मतलब एक तरह से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा कहां से? छोड़ दो फिर इसको। तो सर, यही जो ईएटी है, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, क्या मैं इसी ईएटी को अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बोल सकता हूं? हां सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। समझ आ गया सबको? अच्छा, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर में से फिर क्या माइनस होता है? सर, इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड का भी अगर आप यहां पे देखेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, इनकम टैक्स, फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स, डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, आपके पास इक्विटी डिविडेंड का कोई डेटा नहीं है यहां पे, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे फिर क्वेश्चन को छोड़ देंगे। अब सर, पहले यहां तक की इनकम स्टेटमेंट को इसको कंप्लीट करते हैं। मेरे को एक बार बताइए, समझ आ रहा है सबको? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? बताइए एक बार, आवाज वगैरह सब क्लियर? ओके अच्छा, अब यहां पर अगेन वही चीज, आपको ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है, आपको कंबाइंड लिवरेज दिया हुआ है, ठीक है ना? अब यहां पे अगर मैं इसमें पहली रिक्वायरमेंट निकालना चाहूं, मेरे इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के भी ए पार्ट की रिक्वायरमेंट थी फाइनेंशियल लिवरेज। चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं एक बारी। मैं यहां पर लिखता हूं फर्स्ट का ए पार्ट, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। इसके लिए हमने वो जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट था, DCL इज इक्वल टू DOL मल्टीप्लाई बाय DFL, ये लगाया। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल, अच्छा आंसर बता रहे हो, ओके। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज आपको क्वेश्चन में 2.8 है, इक्वल्स टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आपके पास क्वेश्चन में 1.4 है, इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, आपके पास आंसर आ जाएगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू 2, ये आपके पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आ गया। मेरे पहले के भी ए पार्ट का आंसर इस आंसर हो गया। देवांग, अभी स्टार्ट हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है अभी, यहां पे मैंने बस इस फॉर्मेट को कंप्लीट किया है, देख लो आप, ठीक है देवांग? बस यहां पे फॉर्मेट को जस्ट कंप्लीट किया है, और वो फॉर्मूला लगाकर डीसीएल क्वेश्चन में दिया हुआ था, डीओएल क्वेश्चन में दिया हुआ था, डीएफएल बस कंप्यूट किया है, ठीक है ना? अच्छा, अब सर डीएफएल आ चुका है, आपके पास क्वेश्चन में इंटरेस्ट है, डीएफएल का जरा फॉर्मूला बताएंगे क्या होता है? वर्किंग नोट 1, डीएफएल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी अल्टरनेट फॉर्मूला, क्योंकि परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले का तो कुछ डेटा है नहीं, इक्वल्स टू, इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, इक्वल्स टू ईबीआईटी, सॉरी डीएफएल, अभी आपने निकाला 2, बस इसको अप्लाई करेंगे, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट कितना आपके पास आया हुआ है? इंटरेस्ट आपके पास आया हुआ है 2,55,000, ठीक है ना?
इक्वल्स टू 2 सॉल्व करेंगे आपके पास ईबीआईटी आ जाएगा। कितना आएगा ईबीआईटी? ये 5.1 क्या लिखा है, ईबीआईटी कितना आएगा? 5,10,000। ओके, ईबीआईटी आ गया आपके पास 5,10,000। यहां तक सबको समझ आ गया, कोई दिक्कत परेशानी? हां जी ठीक है प्रांजलि, आपने भी सही बोला है। ठीक है सुषमा, ओके सुषमा, ओके देवांग, हां जी यहां तक सबको क्लियर। अब सर वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस डाल के ईबीआईटी को हम यहां पे लिख देते हैं 5,10,000। 5,10,000 में से 2,55,000 माइनस हो जाएंगे, 2,55,000 का ही आपके पास ईबीटी बच जाएगा। अच्छा, टैक्स रेट आपको 30% दे रखा है, सीधा सीधा कैलकुलेशन, 76,500 का आपके पास टैक्स आ गया। माइनस करेंगे टैक्स, आपके पास 1,78,500 अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर या ईएटी बच जाएगा। अब इससे ऊपर की इनकम स्टेटमेंट भी पूरी पूरी कर दी हमें। अच्छा, ईबीआईटी आ चुका है, फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास ऑलरेडी गिवन है, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। हां सर, रिवर्स वर्किंग, यहां से 2,04,000 प्लस 5,10,000, दिस वुड बी 7,14,000। ठीक है जी, बिल्कुल सही सुषमा। अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, सेल्स है आपके पास, बैलेंसिंग फिगर वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 22,86,000। बस खत्म, इनकम स्टेटमेंट हो गई। आपको सर फर्स्ट पार्ट में एक तो फाइनेंशियल लिवरेज निकालना था, वो आपने निकाल दिया। एक आपको निकालना था पीवी रेशो, हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसी के नीचे फर्स्ट के बी पार्ट को इसी फॉर्मेट में करके दिखा देते हैं। आप अलग से करके दिखाना चाहो अलग से करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। पीवी रेशो, क्या फॉर्मूला होता है पीवी रेशो का? सर ये तो हमको आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। कॉन्ट्रीब्यूशन है आपके पास 7,14,000, सेल्स है 30 लाख, इंटू 100 आपके पास पीवी रेशो आ जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल सही सुषमा, ठीक है देवांग, ओके। अच्छा, पीवी रेशो भी आ गई। सी पार्ट में आपसे मांगा है अर्निंग पर शेयर। सर अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ चुकी हैं, तो ईपीएस भी आ जाएगा। अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, एज सिंपल एज दैट। अर्निंग्स आई है 1,78,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, 17 लाख की कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 1,70,000। परसेंटेज में कन्वर्ट मत कर देना, ईपीएस निकाल रहे हो। ये आएगा आपके पास 1.05 पर शेयर। मेरे को बताइए, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, अभी सेकंड और थर्ड पार्ट बचा हुआ है क्वेश्चन का। ऑल्दो आपको यहां तक की सारी बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? हाँ जी, क्लास में भी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही अभी? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे मांगा है, इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज एसेट टर्नओवर इज 1.5, डज इट हैव अ हाई और लो एसेट लिवरेज। एक तरह से सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ने कहा है कि हमारी कंपनी एक ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है जिसका एसेट टर्नओवर 1.5 है, तो हमारी कंपनी क्या ज्यादा एसेट लिवरेज रखती है या कम एसेट लिवरेज रखती है, मतलब ज्यादा एसेट टर्नओवर रखती है या कम एवरेज एसेट टर्नओवर रखती है। तो एक काम करते हैं, पूरी इंडस्ट्री का एसेट टर्नओवर क्वेश्चन ने 1.5 दिया है, हम अपना एसेट टर्नओवर निकाल लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, आंसर दे देते हैं। ठीक है सर,
तो मैं यहां पे लिखता हूं, इंडस्ट्रीज एसेट टर्नओवर इक्वल्स टू, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5, कंपनीज एसेट टर्नओवर। हम अपना एसेट टर्नओवर निकाल लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं इसके साथ। हमारी कंपनी का एसेट टर्नओवर, उसका फॉर्मूला, एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है सर? एसेट डिवाइडेड बाय टर्नओवर या टर्नओवर डिवाइडेड बाय एसेट, बताएंगे प्लीज? देख लो देवांग, लिख दिया गलत, नालायक हो आप। टर्नओवर डिवाइडेड बाय एसेट होता है, एसेट डिवाइडेड बाय टर्नओवर। जरा लिखते हुए इसको चेक भी करो, एसेट डिवाइडेड बाय टर्नओवर का मतलब क्या है? पहले सेल करोगे फिर एसेट खरीदोगे, नालायक, ऐसे थोड़ा ना होगा। टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अच्छा, टर्नओवर आपके पास 30 लाख दी हुई है, टोटल एसेट्स, सर गजब बात हो गई, यहां पे इस पूरे डेटा में एसेट्स का तो डेटा ही नहीं है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, जब आपकी, आपको रफली समझा देता हूं, जब आपकी बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट में यहां पे इक्विटी, यहां पे डेट, बाकी जो भी चीजें हैं वो सब लिखोगे, यहां पे अपने सारे एसेट्स लिखोगे, लायबिलिटी और एसेट साइड का टोटल तो एक ही होगा। अच्छा, आपके पास लायबिलिटी साइड पे सिर्फ दो चीजें हैं, एक डिबेंचर्स दिए हुए हैं, एक इक्विटी शेयर कैपिटल। डिबेंचर्स कितने के हैं? 21,25,000। और इक्विटी कैपिटल कितने की है? 17 लाख की। तो सर मेरे को नहीं पता इंडिविजुअली एसेट कितने के हैं, लेकिन इतनी बात पक्की है कि टोटल जो एसेट होंगे वो इन दोनों के सबमिशन के ही होंगे। तो टोटल एसेट 17 लाख प्लस 21,25,000, 38,25,000 आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बैलेंस शीट टैली होती है। समझ आया आप सबको? हाँ देवांग, अब लिख ले टाइपो एरर। ओके, तो सर इस लॉजिक के हिसाब से आपके पास टोटल एसेट आ जाएंगे, इसको भी रिप्रेजेंट भी करेंगे इस बात को हम, 38,25,000। कितना आएगा ये? 0.78, ठीक है जी। और यहां पे ब्रैकेट में लिख दीजिए इक्विटी कैपिटल प्लस डेट कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट एज पर डेटा ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। इस क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग इन दोनों का सबमिशन ही टोटल एसेट है। तो अल्टीमेटली इंडस्ट्री का एसेट टर्नओवर 1.5 था, हमारा एसेट टर्नओवर 0.78 है। ज्यादा है या कम? लो है सर। देयरफोर एज कंप्यूटेड अबव, कंपनीज एसेट टर्नओवर इज लोअर देन इंडस्ट्रीज एसेट टर्नओवर। इंडस्ट्री के एसेट टर्नओवर से हमारा एसेट टर्नओवर कम है, एज सिंपल एज दैट। नोटिंग कर लीजिए प्लीज, हो जाए तो मुझे बता दीजिए। हो गया सबका? क्लियर है? चलिए लास्ट पार्ट सर इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपसे मांगा है एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द ईबीटी ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू जीरो। कितनी सेल करूं कि कंपनी का ईबीटी जीरो हो जाए? पहले तो आर्यन, बस पता नहीं कहां से ब्रेक इवन पॉइंट आप लेके आए हो, मेरी बात सुनिए प्लीज। पहले तो सेल्स से ईबीटी तक कौन सा लिवरेज लेके आएगा आपको? सेल्स से ईबीआईटी तक लेके आता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ईबीआईटी से ईबीटी तक लेकर आता है फाइनेंशियल लिवरेज, और डायरेक्टली सेल्स से ईबीटी तक कौन लेकर आएगा? कंबाइंड लिवरेज, डीसीएल। तो पहली बात कॉन्सेप्ट में यूज क्या होगा? डीसीएल। दूसरी बात क्वेश्चन ने मांगा क्या है?
कितनी सेल्स होगी जब ईबीटी जीरो हो जाएगा, तो ईबीटी में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, 100% का चेंज। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, जब 100% का चेंज होगा ईबीटी में, जो भी उसका अमाउंट है वहां से वो जीरो आ रहा है, जब 100% का चेंज होगा ईबीटी में तो सेल्स में कितना चेंज होगा, और ईबीटी की वजह से सेल्स में कितना चेंज होगा, ये निकालने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कंबाइंड लिवरेज। मेरी बात समझ आई? ये कंट्रीब्यूशन निकाल के कहां से आया देवांग? कंबाइंड लिवरेज का मेन फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मतलब क्या है इसका, सेल में कितना चेंज होगा उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज हो जाएगा, सीधा सीधा ये यूज करूंगा मैं। हां जी, मतलब समझ आया पहले क्वेश्चन का क्या मांगा है और क्या स्ट्रेटेजाइज होगा, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनेगी क्वेश्चन को करने की, बताएंगे एक बारी। कोई बात नहीं देवांग, क्लियर हुआ है तेरे को? बाकी सब नालायक भी बोलेंगे, मौन व्रत पे नहीं जाएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, नहीं तो मेरे को ऐसा लगेगा मैं क्या सिस्टम को पढ़ा रहा हूं, नालायक। चलो ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सर लिखता हूं, यूजिंग डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, पहले ये कॉन्सेप्ट हम एग्जामिनर को समझाएंगे, यूजिंग डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज आपको इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 2.8 टाइम्स। इस 2.8 टाइम्स के कंबाइंड लिवरेज की एक्सप्लेनेशन क्या है, 1% चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू 2.8% चेंज इन ईबीटी। और यहां पे हम जिस चेंज की बात कर रहे हैं वो इंक्रीज है या डिक्रीज है? सर यहां पे हम डिक्रीज की बात कर रहे हैं, ईबीटी जीरो हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट इज, अगर 1% का चेंज होगा, अब इसको ना उल्टा पढ़ते हैं, 2.8% का चेंज होगा ईबीटी में अगर 1% का चेंज होता है सेल्स में। तो अगर 1% का डिक्रीज होता है ईबीटी में तो सेल्स में कितना डिक्रीज होगा, 1/2.8% डिक्रीज इन सेल्स। मैं ऐसे उल्टा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको ईबीटी का चेंज दे रखा है, वहां से सेल्स का चेंज निकालना है, ठीक है ना? तो अगर 2.8% का चेंज होता है ईबीटी में तो सेल्स में 1% का चेंज, अगर 1% का चेंज होता है ईबीटी में तो सेल में 1/2.8%। हमारे ईबीटी में कितना चेंज आ रहा है, 100% डिक्रीज इन ईबीटी। दिस इंप्लाइज 1/2.8 × 100 इतने परसेंट का डिक्रीज इन सेल्स। फिर ठीक है जी, देयरफोर सेल्स विल डिक्रीज बाय कितना आएगा, ये 100 / 2.8 दिस वुड बी 35.71%। तो सेल्स आपकी 35.71% से कम हो जाएगी अगर आपका ईबीटी 100% से कम हुआ। बिल्कुल सही देवांग, रिवाइज्ड सेल्स, प्रेजेंट सेल्स थी आपकी 30 लाख, माइनस घटाना है सेल को, 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 35.71% इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके पास 19,28,700। आपसे क्वेश्चन ने यही मांगा था कि सेल्स कितनी होगी अगर मेरा ईबीआईटी जीरो हो जाए। हाँ जी, सभी को समझ आया देवांग? ये क्या लिखा है 1192870 की क्या निकाला है? अच्छा, आपने इसका अमाउंट निकाला होगा, ये परसेंटेज वाले का नेट आंसर यही आ रहा है 19,28,700। हाँ जी, यहां पे ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मुझे बताइए सभी को समझ आया, यहां पे क्लियर है सबको? कोई बात नहीं देवांग, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया सबको? चलो जी, सो दिस इज इट, ये था आपका ये चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मैं अब क्या करूंगा, पहले चैप्टर की अभी जैसी क्लास खत्म हो रही है मैं एक बारी पहले तो बुक्स का स्टेटस चेक करता हूं और आपको
इसी ऐप पर जिस ग्रुप में आप ऐड हुए हो वहीं पे आपको स्टडी मैट का एक टैब दिखा होगा, उस स्टडी मैट के टैब में इस पहले चैप्टर की, मैं जब तक आपकी बुक्स नहीं आती तब तक के लिए आपकी रेफरेंस के लिए इस पहले चैप्टर की पूरी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा आज की आज, ठीक है ना। सो दैट अब बाकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, नंबर वन। नंबर टू, लाइव क्लास वाले फोल्डर में इसी क्लास की दो पार्ट्स में, क्योंकि बीच में क्लास स्टॉप हुई थी, दो पार्ट्स में आपके पास इसी की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी बाद में आपकी रेफरेंस के लिए, ठीक है जी। अब मैं एक बारी आपसे दो मिनट की बात करूंगा इसके बाद।